नमस्कार, सेवन न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं गौरव द्विवेदी। जैसा कि आप सब जानते हैं, 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रही है। ऐसे में भक्तों के द्वारा लगातार भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर माँ की मूर्तियाँ कारीगरों द्वारा बनाई जा रही है। कारीगर लगातार माँ की मूर्तियां बना रहे हैं और अपने काम में लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका बिजी शेड्यूल भी है, क्योंकि 15 अक्टूबर से माँ शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। भक्तजन माँ की पूजा अर्चन के लिए लगातार बाजारों में दिखाई पड़ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। आइए हम कुछ उन कारीगर से बात करते हैं जो यहाँ पर लगातार माँ की मूर्ति बना रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनसे ये पूछते हैं कि आखिर उन्होंने क्या तैयारियां की हैं और किस प्रकार से मूर्ति बना रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ पर एक कारीगर मौजूद हैं, उनसे उनका परिचय लेते हैं और पता लगाते हैं आखिर किस तरीके की तैयारियां प्रारंभ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बजरंग प्रजापति है। बजरंग जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं? ये कहना ये चाहते हैं कि नवरात्रि का टाइम है, मूर्तियाँ बन रही हैं, तैयार हो रही हैं और अच्छी बात है, उनका पूजा हो रहा है, इच्छुक हैं, जागृत हैं धर्म क्षेत्र की। कितने सालों से ये आप काम कर रहे हैं? ये हमारा हो गया है लगभग 14-15 साल हमारा हो गया काम करते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा इस बार, कितनी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं? आपको लगता है कि पिछले साल के मुताबिक इस बार ज़्यादा मूर्तियाँ बनी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने जैसे पिछले साल बनाया था उतने हम लोगों ने बनाया था। पिछले साल थोड़ा सा डाउन था, इस साल थोड़ा सा कुछ हमें रौनक नज़र आई है, इस वजह से हमने डर के मारे उतने ही बनाया जितना पिछले साल हमने बनाया था। हाँ, अच्छा, क्या तैयारियाँ, आप कब से तैयारियाँ प्रारंभ कर देते हैं? कारीगर आपके साथ में आपकी टीम काम कर रही है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो लमसम काम करने वाले तो साल के 12 महीना भी करते हैं, लेकिन हम लोग वही चैत्र मास से धीरे 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 अपना कहीं बाँस बहना लकड़ी करना करते करते इतने लंबे सफ़र से हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और हमारे साथ में सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं। क्या आप लगातार दिन रात काम कर रहे हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ आसपास इतनी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कैसे अपने शेड्यूल को आप लोग करते हैं? क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, आपका भी परिवार होगा, माँ की अर्चन के लिए आप लगातार जुड़े हुए हैं, आप भी पूजा अर्चन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे शेड्यूल आप लोग बना पाते हैं? देखिए, कहना क्या भाई, हम लोग तो रातों दिन जुटे हैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए, भक्तों के लिए, कि मान लो तैयार हों और जल्दी से जल्दी टाइम आ गया है, 15 तारीख को नौती पूजा होगी, तो उसमें हम लोग रात दिन इतने समय हमारा खान पान भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, सो भी नहीं पाते हैं, परिश्रम जो टाइम है ये टाइम हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन सब माँ के ऊपर हम लोग निर्भर हैं, जितना भी है सब वही हमारा पूरा करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की मूर्ति बनाने में आप लोग किस किस उसका पदार्थों का यूज़ करते हैं, क्या क्या उसमें लगाते हैं, एक बार हमें भक्तियों को आप बताइए। मिट्टी की प्रतिमाओं में जैसे चिकनी मिट्टी होती है और तालाब की, और कुछ खेतों की बलुई मिट्टी होती है, उसको मिक्स करके हम लोग उसे काम करते हैं। और कलर में जैसे हम लोग कच्चे कलर करते हैं, कोई ऑयल वायल वाला काम नहीं करते हैं, कलर ऐसा लगाते हैं कि पानी में या कहीं पर भी तो आसानी से घुल मिल जाए, उससे कोई भी जीव जंतु किसी चीज़ से नुकसान नहीं होता है, तो एकदम कच्चे कलर होते हैं, जैसे कि इमली का आटा है वो लोग खाते ही हैं, उसी का गोंद बना लेते हैं, खड़िया मिट्टी है उससे हम लोग घुलाई कर लेते हैं, उसी तरीके कच्चे कलर आते हैं कि जो आसानी से काम हो जाए और घुल भी जाए, उससे किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान किसी को नहीं, ना तो हम लोग कोई जहरीला केमिकल लगाते हैं कि नुकसान हो पहुँचे किसी को, बस ये। अच्छा, आपने बताया कि जैसे कि कोविड के बाद अब लगातार जो इस क्षेत्र है ये काम है लगातार बढ़ रहा है, माता रानी की मूर्तियाँ लगातार बनाई जा रही है, कितना परिवर्तन देखते हैं आप कोविड काल के बाद से आज के बीच में, क्या लगता है कितनी चीज़ें बदली? देखिए, कोविड में तो ऐसा हो गया कि सब जैसे छिन्न भिन्न हो गया था, रोजी रोटी लोगों की जैसे छिनने लगी, परेशान हो गए, लेकिन हमारे इस लाइन में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, लोग परेशान हो गए कि मूर्तियाँ बनाएंगे
कोई लेगा नहीं लेगा, लेकिन कुछ कोविड के बाद से मूर्तियों का साइज भी छोटा हो गया, जिनमें से माता जी की और गणपति की। अब लोग जैसे कि कुछ अच्छे भले लोग जो है बड़े बड़े पंडालों में जाना कुछ पसंद नहीं कर रहे हैं, उनकी फैमिलियां नहीं जाना पसंद कर रही हैं, तो अपने अपने घरों में छोटी प्रतिमाएं बैठा करके फैमिली में अपना वो लोग पूजा भाव अपना कर लेते हैं। और जो बड़ी बड़ी पूजाएं हैं उनमें तो बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी जाती हैं। और बीच में कोरोना काल में बहुत ही गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि पहले जैसा सब कुछ फिर से ठीक हो गया है। इस साल थोड़ा सा अगले साल से भी थोड़ा अच्छा है। ठीक बात है। तो ये थे बजरंग जी, जिनका साफ कहना कि पूरी आस्था के साथ माँ की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और वो अपनी सदियों को माँ के ऊपर माँ के लिए अर्पित करते हैं। हम आपको बता दें कि रायबली में 8 से 15 पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिसमें भव्य मूर्तियों का आयोजन होगा और जगह जगह पर माँ के भव्य पूजन अर्चन होंगे। ऐसे में प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं और लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी है कि इस बार माँ के भव्य पंडाल रायबरेली में लगेंगे और लोग माँ के भव्य दर्शन भी करेंगे। बाबू बजरंग जी ने एक बार ये भी साफ किए कि वह लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि 15 अक्टूबर के दिन सारे पंडालों में मूर्तियां पहुंच सके और भक्त अपनी मां के दर्शन कर सके। ऐसे में न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रावा, राकेश के साथ।